कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम बिगड़ा नहीं है, पठान का जो पहला सॉन्ग आया था बेसराम रंग, वो सिर्फ तूफान लेकर आया था और पूरे इंडस्ट्री हिला के रख के चला गया। बॉयकॉट गैंग वाले सारे हिटर्स के मुंह पे एक जोर से तमाचा मार के सिर्फ और सिर्फ 9 days 11 hours and 35 minutes पे फास्टेस्ट 100 million क्लब में एंटर किया है बेसराम रंग, जो एक बड़ी अचीवमेंट है पठान मूवी के लिए। तो हम आज पठान मूवी के बारे में नहीं बात करेंगे, पठान के दूसरा सॉन्ग आया है उस सॉन्ग के रिएक्शन करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके चलो आइए देख लेते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए नहीं तो गिर जाएंगे आप। ज़रूर मज़ा आएगा देखने में क्या क्या है। वाह क्या सीन है, क्या है एंट्री है शाहरुख खान का। एक बात गौर किया, शाहरुख खान के हाथ में ताबीज है, कानों में दूल है, क्या एंट्री है सवाल यार। मोहब्बत करनी है हमने मोहब्बत की है इस दिल के अलावा किसी से भी ना हमने इजाजत के ऊपर सूट हो रहा है। और किसी होना रे इश्क का किसी खास लोग को आता इसके करने में किसी किसी को आता है। दुश्मन की हमने हिफाजत की है क्या बात करते हैं, बढ़िया बहुत बढ़िया। घड़ी का सामने का सीन है बहुत अच्छा। बात करते हैं हजारों है तजुर्बा हमें यारों ऐसी है बांध लूं मुझ पे वो झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए। झूमे जो पठान मेरी जान महफिल वाह क्या बात है, क्या सीन दिया यार। What a style, what a dance, यार बहुत ही बढ़िया dance। झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए। वाह 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 सुपर सुपर बहुत बढ़िया। हम करते ये पहले वाला जो किधर में आता है हम बताएंगे तरीका, हम बताएंगे कैसे दुश्मन पे हम मरते तरीका, हम बताएंगे अब की बार तरीका, हम कैसे दुश्मन से कैसे हम निपटेंगे तरीका हम बताएंगे। झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए। व्हाट व्हाट लिरिक्स यार, व्हाट अ लिरिक्स। ओह यार क्या यार से यार बहुत बढ़िया यार से मान ले मान जान मेरी जान मिट जाए। वाह न्यू पार्टी सॉन्ग आ गया, न्यू पार्टी सॉन्ग आ गया। तो पहले बात कर तो देख लिया कैसा हुआ है, कोई दौड़ा नहीं जाए, ये गाना बेसराम रंग के रिकॉर्ड को तोड़ ही देगा। तो इस गाने के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं।
इस गाने के जो म्यूज़िक दिया है ना, इस गाने म्यूज़िक जो गाना दिया है इस गाने को, विशाल एंड शिखर ने इस गाने को म्यूज़िक दिया है। इस गाने जो लिखा है, जो गीतकार है, जो लिरिक्स दिया है इस गाने को, उसका नाम है कुमार। ओके, जो पिछला गाना भी लिरिक्स दिया था, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा लिरिक्स दिया है, जो आपको बहुत ही पसंद आता है, कि आप लोग दिल छू जाता है। ऐसा गाना बहुत दिनों से ऐसा गाना सुना ही नहीं रहा। सही बात है, एकदम सही बात है। तो इसके बाद देखेंगे इसका सिंगर अरिजीत सिंह सुकृति एंड विशालन शेखर, ऑल्सो विशालन शेखर इस गाने को सिंगर है, इस गाने का सिंगर है। इस गाने को जो कोरियोग्राफी क्या है ना बॉस्को, और व्हाट ए कोरियोग्राफी यार, बहुत ही उम्दा, बहुत ही हाई क्लास का कोरियोग्राफी इसमें किया है बॉस्को ने। सलाम सलाम सर। इस गाने को रिकॉर्डिंग किया है वाट एफ स्टूडियो ने इसको वाट एफ स्टूडियो के अंडर में ये गाना रिलीज हुआ है। ओके, तो इस गाने को जो मिक्स किया है, इस गाने किसने मिक्स किया ना, अभिषेक ने मिक्स किया, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स किया। आप गौर करेंगे तो समझ पाएंगे, एक सूट के बाद एक सूट जो होता है ना, उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है। इस गाने को जिसने एडिट किया है, एडली ने एडिट किया है। YRF बैनर में जितने भी गाना रिलीज हुआ है ऐसा ही हुआ है। ऊपर से पहले सूट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो पहले ही हमको क्या देखा ना, SRK अर्थात शाहरुख खान, किंग खान निकल के आ रहा है, उसके कानों में झुमका जैसा है, हाथों में एक ताबीज़ जैसा है कुछ है, उसका लंबा लंबा चूल है दिखाया जाता है, बहुत ही बढ़िया लुक दिखाया गया है, बहुत ही बढ़िया। और ठीक इसी के ठीक ही बाद थोड़ा सा बाद दीपिका पादुकोण का इंटरव्यू होता है, उसी के साथ जो बाइक वाला स्टंट दिखाता है ना, वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद क्या देखा, इसके बाद देखा जो एक हुड खुला बास जो एक बास होता है, बास के ऊपर खुला छात होता है, उसी छात में पठान अर्थात SRK एंड दीपिका पादुकोण रोमांटिक डांस दिखाया जाता है, बहुत ही अच्छा से कोरियोग्राफ किया है बॉस्को ने। सलाम ठोकना पड़ेगा, ऐसे बहुत दिनों से ऐसे गाना नहीं हुआ है सच में। तो गाना जब शुरू होता है ना, शुरुआती क्या लिरिक्स था, क्या गीत था, अब गौर किया है क्या नहीं मुझे नहीं पता, आप सुन के बहुत ताज्जुब हो जाएंगे। पहले गीत यही था कि तूने मोहब्बत करनी है, हम मोहब्बत की है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि SRK अर्थात पठान ने पहले मोहब्बत किया है, उसके बाद ये गान हो रहा है। अब जब मूवी देखोगे ना, पठान मूवी देखेंगे आप देख पाएंगे कि शाहरुख खान पहले से कभी किसी को मोहब्बत किया था, उसके बाद कुछ अन्याय हुआ है, फिर वो पठान बन गया, कुछ ऐसा दिखाएगा है। मैं ज़रूर इसमें 100% श्योर हूँ, आप ऐसा देख पाओगे। इसलिए ये लफ्ज़ किया गया, इस आजमाया गया कि तूने मोहब्बत करनी है, हम मोहब्बत की है। बहुत ही बढ़िया वाला शुरुआत हुआ है इस गाने से, अब आपको इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसे बढ़िया लिरिक्स दिया है। तो इसके बाद और एक लिरिक्स बहुत ही अच्छा लगा मुझको, पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपको लगा कि नहीं, मुझे नहीं पता कि मुझे अच्छा लगा है। क्या है ना, हुनर है इश्क का जो किसी को आता है, ऐसा कहते तो रोमांस का किंग है यार सच में, ये लव्स उसमें बहुत छूट बैठता है, आप मानो या ना मानो, बहुत ही बढ़िया हुनर है इश्क का जो किसी को आता है, बहुत ही बढ़िया। और एक लाइन बताना ज़रूरी है, वो लाइन है जान लुटा के हम हिफाजत करते हैं, जान लुटा के हम हिफाजत करते हैं आपका, ये बहुत ही बढ़िया वाला लाइन था, लिरिक्स था। अब सोचो क्या फिल्म में था, फिल्म में है जो ऐसे लिरिक्स दे रहा है, बहुत ही बढ़िया लिरिक्स। झूमे जो पठान का जो ओरिजिनल जो मेन खोटी है ना, वो झूमे जो पठान मेरी जान उस पे मर मिट जाए, क्या बात है, झूमे जो पठान मेरी जान उस पे मर मिट जाए, कितना अच्छा लिरिक्स है ये, तो बहुत बढ़िया, तो मेरा फेवरेट लिरिक्स है, आप क्या ही बताओ, बहुत ही बढ़िया लिरिक्स। और इसके बाद जो लिरिक्स आता है, दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए, क्या समझ रहे हैं, जो पठान किसी को ज़ुबान देता है, तो उस ज़ुबान पे पक्के रहते हैं, वो अड़े रहते हैं, कभी उसमें हिलता नहीं, उस ज़ुबान के लिए वो मार मिटने को तैयार भी है, यही हमको पता है ना, यही लगता है ना सच में, कुछ ऐसा ही लगता है, ऐसा ही होने वाला है पठान मूवी में, आप देखोगे ना चौंक जाओगे, इतना बढ़िया हिट होने वाला है। बेशरम रंग के बाद ये सॉन्ग बहुत ही बढ़िया हिट होने वाला है, हम ये कोई डाउट नहीं है, ये एकदम सचमुच होना ही है। एक और लिरिक्स है जो बताना ज़रूरी है, दुश्मन से मुकाबला कैसे करें हम बताएंगे आपको, आप समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ, दुश्मन से कैसे लड़ेंगे उसका तरीका हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे शाहरुख खान अर्थात SRK स्पाई एजेंट भूमिका की काज कर रहे, तो आप समझ रहे हो ना स्पाई एजेंट, तो दुश्मन से कैसे लड़ते हैं सिखाएंगे आपको, बताएंगे अर्थात दीपिका पाडुकोण को सिखाएंगे, ये जब फिल्म देखोगे ना आप समझ जाओगे क्या हो रहा है। नहीं, बेशरम रंग पहले आया था, वो तो पहले ही 9 दिनों में ही तो उसको सब कुछ तोड़ के रख दिया है,
सब बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुआ है, ये तो इनकार नहीं कर सकता। मैं आप लोगों का विनती करती हूँ कि जात पात धर्म ऐसे मत कीजिए। और न्यूट्रल फैन न्यूट्रल ही देखिए, ये सर के इंडिया के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, आप इसको प्यार करते हैं, क्यों ऐसे जात पात भेदाभेद क्यों कर रहे हैं? आप करने का ज़रूरत नहीं है, आप प्यार कीजिए उससे, उसका सॉन्ग देखिए उसे, उसको देखकर उसको आप एंटरटेनमेंट होइए, आप मूवी का लुत्फ़ उठाएँ, सॉन्ग का लुत्फ़ उठाएँ। मुझे तो कहना ज़रूरी है, मैं कहूँगा ही कहूँगा कि आने वाले क्रिसमस न्यू ईयर ये जो हॉलीडे आ रहा है ना, इसमें पार्टी सॉन्ग बहुत बजता है। और ये सॉन्ग पहले तो बेसरम रंग सब कुछ फोड़ दिया है, और ये सॉन्ग झूमे जो पठान एक पार्टी एंथम हो जाएगा। जहाँ पे पार्टी होगा ये सॉन्ग ज़रूर बजेगा, आप गौर कर लीजिए, बजेगा ही बजेगा। तो ये तो 100 मिलियन ईजिली क्रॉस कर जाएगा, मैं दिल से कह रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया हुआ है, आप देखा नहीं तो देख लीजिए। और मेरा रिएक्शन कैसा था, मेरा रिव्यूज़ कैसा था, कमेंट कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।